गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्लास 11th का बहुत ही बेसिक चैप्टर है। इसमें हम एलिमेंट्स के बारे में सीखेंगे, कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे और बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस चैप्टर में सीखेंगे। बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनता है कि आने वाले जो भी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है वो इसी पर बेस्ड होंगे, तो इसे अच्छे से सीखना है। चलिए शुरू करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम इसमें सीखते हैं सब्सटेंस के बारे में। सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, इस चैप्टर में हमें सिर्फ प्योर सब्सटेंस से ही डील करना है। केमिस्ट्री प्योर सब्सटेंस के बारे में ही स्टडी किया जाता है और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डील नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ये एलिमेंट्स जो होते हैं उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम लोग एटम कहते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल को एटम कहते हैं और कंपाउंड के फंडामेंटल पार्टिकल को हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो अब तक के बाद से आपको पता हो गया होगा कि मोल कंसेप्ट में हम सिर्फ और सिर्फ प्योर सब्सटेंस की स्टडी करेंगे। जो भी सब्सटेंस होते हैं उसका एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। जो भी प्योर सब्सटेंस होता है उसका एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस Any kind of substance is composed of fundamental particles. जो भी प्योर सब्सटेंस होते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल से बने होते हैं और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका फंडामेंटल पार्टिकल एटम होता है। जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसका फंडामेंटल पार्टिकल एटम होगा। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं? एटम से। और कंपाउंड जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? एलिमेंट्स से। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। चलिए एग्जांपल हम देख लेते हैं, बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। जैसे लिख दिया जाए H2O, H2SO4, CaCO3 एटसेट्रा। ये सब क्या है? कंपाउंड है और ये सब एलिमेंट्स से बने हुए होते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये सब बहुत ही बेसिक टर्म है और आपने
आई होप क्लास 9th और 10th में आपने इसको पढ़ा होगा, पर एक बार इसे फिर से रिवाइन कर लेते हैं, ठीक है। और बड़ा ही बेसिक लॉ है जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास लोअर क्लास में, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हम सभी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में जानते हैं, पर इसके कुछ लॉ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक दो लॉ है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आइए उसको नोट कर लेते हैं। कि एटम जो है उसको ना ही बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दैट मीन्स एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कि एटम ना ही बनाया जा सकता है और ना ही इससे नष्ट किया जा सकता है। और एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स है, एटम का विभाजन नहीं हो सकता है। एटम्स आर इनडिविजिबल। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल। तो ये दो बेसिक लॉ है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको जानना चाहिए। ओके, कोई भी सब्सटेंस होगा, यहाँ पर हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एलिमेंट एक सब्सटेंस है और उसे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होगा, ठीक है। उसे रिप्रेजेंट करने का एक आइडिया होगा जो हम सीखते हैं कुछ इस तरह से, कि एक सेंटर होगा और इसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट होगा इस तरह से, ये जो सेंटर होगा इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ये सेंटर जो होगा उसे न्यूक्लियस कहते हैं। और ये सेंटर जो होता है वो दो फंडामेंटल पार्टिकल से कंपोज्ड होता है, बना हुआ रहता है। किससे? एक प्रोटॉन से और एक न्यूट्रॉन से। द सेंटर ऑफ द एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ये जो आउटर ऑर्बिट है, ये आउटर ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, वो कंटिन्यूअस रिवॉल्व करता रहता है, कंटिन्यूअस घूमता रहता है, जैसे हमारा प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड घूमता है। ये अजम्पशन है। ओके, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। किसी भी एटम को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल बनाएंगे, वो कुछ इस तरह से होगा, रिप्रेजेंट एक्स, यहाँ पे आपको जेड लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पे आपको ए लिखा हुआ मिलेगा इस तरह से। यहाँ पर एक्स जो है किसी एलिमेंट का सिंबल है और जेड उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा और ए उसी एलिमेंट का मास नंबर होगा। ओके, एक्स क्या है? सिंबल ऑफ एलिमेंट, जेड क्या होगा? तो एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर। दैट मीन्स
जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन ऑलवेज, जेड क्या होगा उस एलिमेंट के प्रोटोन की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, और ए क्या है, ए मास नंबर है, ए क्या होगा मास नंबर। अब किसी भी एलिमेंट में मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के सम का इक्वल होता है। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चलिए प्रोटॉन के बारे में या फिर फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में कुछ और जान लेते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1.67 इंटू 10^-27 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10^-27 kg, जो नियरली 1 AMU के इक्वल होगा। ओके, AMU के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन ये भी इक्वल होगा 1.67 इंटू 10^-27 kg, जो नियरली इक्वल होगा 1 AMU को। यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग सेम लिखे हैं, पर एक्चुअली ये नियरली इक्वल होता है, एग्जैक्टली सेम तो नहीं होता है, पर जैसे ही हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे या न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं कि स्लाइटली डिफर करता है, पर हम लोग यहाँ पर इसे नियरली इक्वल लेकर चलते हैं। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 × 10^-31 kg। ओके, सो चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन इक्वल टू 1.602 × 10^-19 कूलम। चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.602 × 10^-19 कूलम, एंड चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.602 × 10^-19 कूलम। चार्ज दोनों का सेम होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज, पर इसका नेचर जो होता है एक दूसरे से अपोजिट रहता है। प्रोटॉन का नेचर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव। ओके, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है पर अपोजिट नेचर के। और चार्ज ऑफ वन न्यूट्रॉन इज, चार्ज ऑफ वन न्यूट्रॉन इज जीरो, चार्ज ऑफ वन न्यूट्रॉन इक्वल टू जीरो, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा स्टडी करते हैं एटम्स के बारे में। एटम्स, एटम जो होता है उससे हम लोग रिलेट करते हैं किसको, एटॉमिक मैट को या एटॉमिक मास को। ओके, क्लियर, एटम्स आर रिलेटेड टू एटॉमिक वेट, एटम का वेट
को हम लोग क्या कहेंगे, एटमिक वेट कहेंगे। और इस एटमिक वेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा। एटमिक वेट, वेट इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, क्या मास ऑफ वन एलिमेंट, सॉरी मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक वेट क्या होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ओके, दैट मीन्स 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, हम लोग लोअर क्लास में इसको पढ़ते हैं कि एटमिक वेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एटमिक वेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो किसी एलिमेंट का जिसका हम लोग एटमिक वेट निकालना चाहते हैं, उस एलिमेंट के एक एटम का मास किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, 1/12 कार्बन 12 के एक एटम के मास के। ओके, अब चूंकि यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, मास मास कैंसिल हो जाएगा, डैट मीन्स ये जो हमारा एटमिक वेट आएगा, ये जो एटमिक वेट होगा इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ओके, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, डैट मीन्स यूनिट लेस क्वांटिटी। क्लियर है, एक बार फिर से सुनिए। एटमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। और ये क्या होगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। ओके, क्योंकि मास मास कैंसिल हो जाएगा और इस वजह से इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। अगर हम एटमिक वेट कहना चाहे किसी एलिमेंट का, तो वो आपको डिफाइन है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीजन के लिए कितना, 16, हाइड्रोजन के लिए कितना, तो 1, एल्युमिनियम के लिए कितना, 27, सोडियम के लिए कितना, 23, मैग्नीशियम के लिए कितना, 24, या फिर आयरन कह सकते हैं तो 56, सल्फर के लिए 32, एंड सो ऑन। ओके, इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का एटमिक वेट लिख सकते हैं, पर ध्यान रहे क्या, इसका कोई भी यूनिट नहीं होना चाहिए। ओके, एक चीज पर हम लोग गौर कर लेते हैं कि 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ये क्या है कि कार्बन 12 के एक एटम का मास का 1/12 हिस्सा। तो डियर स्टूडेंट, ये जो क्वांटिटी है इसी को एक एएमयू कहा जाता है, क्या, इसी नंबर को हम लोग 1 AMU कहते हैं। क्लियर हो गया, तो 1 AMU क्या है, तो 1 AMU इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 ऑफ 1/12। एक छोटी सी चीज़ है, आपको याद रखना होगा इसको, दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, 1 AMU इक्वल टू 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 1.67 × 10⁻²⁷ kg। ये 1 AMU का वैल्यू है, इसे याद रखिएगा, 1 AMU का वैल्यू 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम, और 1.67 × 10⁻²⁷ kg।
आइए हम अब मॉलिक्यूल्स के बारे में देखते हैं।